दोस्तों आज हम अपने आसपास हजारों गुड्स देखते हैं जो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज में तैयार होते हैं, और ये बात तो हम जानते ही हैं कि किसी भी गुड को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल बेसिक नेसेसिटी है। इसीलिए दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के काम को अच्छे से समझने के लिए हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं रॉ मटेरियल के बेसिस पर दो मेजर कैटेगरीज में। एक तरफ तो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और दूसरी तरफ आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। हम एक एक करके ही इनके बारे में बात करेंगे। आज सबसे पहले बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है अपने रॉ मटेरियल के लिए। ये एग्रीकल्चर सेक्टर से कॉटन, जूट, शुगरकेन और ऑयल सीड्स जैसे गुड्स को लेकर उन्हें प्रोसेस करती है और उन्हें फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। तो आज के इस लेक्चर में बात करते हैं कुछ मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंडिया में वैसे तो बहुत से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, पर आज हम कुछ मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे जो लार्ज स्केल पे गुड्स को मैन्युफैक्चर करती हैं। और हिस्ट्री उठाकर देखें तो शुरुआत से ही इंडिया अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। यहाँ हजारों फैब्रिक्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। वैसे आपके हिसाब से वो कौन सा फैब्रिक है जिसे हम सबसे ज्यादा यूज और प्रोड्यूस करते हैं? ये बिल्कुल साफ जवाब है, क्योंकि इस समय भी हमने कुछ ना कुछ उस फैब्रिक का जरूर पहना है। ये फैब्रिक है कॉटन। कॉटन शर्ट्स, कॉटन ट्राउजर्स, कॉटन की सॉक्स या फिर कॉटन का एक छोटा सा हैंकी ही सही, पर कुछ ना कुछ हमने जरूर कैरी किया हुआ है। इसीलिए दोस्तों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंडिया में अपनी ही एक खास इंपॉर्टेंस है। साथ ही सालों पहले तो इस फैब्रिक को, कॉटन को हाथों से ही स्पिन करके तैयार किया जाता था। वैसे आप लोगों ने गांधी जी की चरखे वाली कहानियां जरूर सुनी होगी, कैसे वो चरखे की मदद से खादी नाम के एक फैब्रिक को मैन्युफैक्चर किया करते थे अपने हाथों से। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुई तो टाइम के साथ पावर लूम सामने आई, जहां मशीन्स की मदद से थ्रेड और फैब्रिक्स को मैन्युफैक्चर किया जाने लगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ये इंडस्ट्री अपने साथ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज लेकर आई, क्योंकि फार्म से कॉटन बड्स को प्लक करने से लेकर उसे साफ करके वीव करने तक, उसे डिजाइन, डाई और पैक करने तक, सब कुछ, ये सब कुछ अलग अलग लेवल पर काम होते हैं जिसमें हजारों लोग एम्प्लॉयड हैं। तो आप समझ सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी वास्ट है। इतना ही नहीं दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि ये इंडस्ट्री अपने साथ दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी लाती है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चर किए गए गुड्स जैसे कि डाइज, केमिकल्स और मशीन्स को ये यूज करती है, उन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, जिससे इस फैक्ट्री की, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है। दोस्तों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे नेशन की डेवलपमेंट के लिए आज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसीलिए इसे सेटअप भी काफी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल में इन फैक्टर्स के बारे में बात की थी, जिनके बेसिस पर एक इंडस्ट्री की लोकेशन के बारे में डिसाइड किया जाता है, और यही हुआ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों में। और हमें ये सारे फैक्टर्स मिले गुजरात और महाराष्ट्र बेल्ट पर, इसीलिए इन इंडस्ट्रीज को वहीं सेटअप किया गया, और यहीं से हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक नई शुरुआत। और इंडिया अपनी फाइन क्वालिटी के यार्न के लिए पूरी दुनिया में जाने जाना लगा। लेकिन दोस्तों परेशानी की बात यह है कि इतना अच्छा प्रोड्यूसर होने के बावजूद आज भी हम काफी सारा फैब्रिक और गारमेंट्स दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों आज भी इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ ना कुछ कमी है। हमारे यहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोसेस पूरी तरह से सिस्टमैटिक नहीं है। दरअसल दोस्तों कॉटन को वीव करने के लिए, निट करने के लिए हम अलग अलग लेवल्स पर भेजते हैं, और इन लेवल्स पर भी हमारे पास ना तो अच्छी लेबर है, ना एडवांस टेक्नोलॉजी और ना प्रॉपर पावर सप्लाई कि हम इतने फाइन क्वालिटी के यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए, उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए इजीली सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। इसलिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें दूसरी कंट्री से फैब्रिक और गारमेंट्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज भी यूके, यूएसए, रशिया जैसी बड़ी कंट्रीज को हम कॉटन सप्लाई करते हैं। तो आप समझ सकते हैं इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितना बड़ा रोल प्ले करती है। दोस्तों इसी के साथ हम बहुत अच्छे से समझते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा यूज
और प्रोड्यूस किए जाने वाले कॉटन फैब्रिक के बारे में और इसे मैन्युफैक्चर करने वाली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। चलिए अब मैं आपको एक और ऐसे ही फैब्रिक के बारे में बताती हूँ। ये कॉटन जितना पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज की वजह से इसे आज हम काफी ज्यादा यूज करते हैं। और मजे की बात तो ये है कि इंडिया इस फैब्रिक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये फैब्रिक है जूट, और इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। दोस्तों, इस फैब्रिक का यूज तो हमारा एनवायरमेंट भी प्रमोट करता है। आपने कई बार टीवी एड्स में, न्यूज़पेपर्स में लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि प्लास्टिक बैग्स का यूज बंद कर दो और जूट बैग्स का इस्तेमाल करना शुरू करो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जूट एक एनवायरमेंट फ्रेंडली फैब्रिक है। ये एनवायरमेंट को किसी भी तरह से कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता, इसलिए इन इंडस्ट्रीज को आज काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है। दोस्तों, इंडिया में वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के पास जूट इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया है। यहाँ काफी सारी जूट इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, क्योंकि इस रीजन में इसे परफेक्ट कंडीशंस मिलती हैं अपनी लोकेशन के लिए। इसे सारे जरूरी रिसोर्सेज जैसे कि प्रॉपर वाटर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, पावर सप्लाई, रॉ मटेरियल और इनफैक्ट मार्केट एरिया, ऐसी सारी जरूरी चीजें, जरूरी फैक्टर्स इसे यहाँ मिलते हैं। इनफैक्ट उड़ीसा, बिहार जैसी सिटीज के पास होने की वजह से इन्हें चीप और स्किल्ड लेबर भी आसानी से मिल जाती है। इतना ही नहीं, कैलकटा पास होने की वजह से बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज भी इजीली अवेलेबल है। इसीलिए दोस्तों, वेस्ट बंगाल एक परफेक्ट लोकेशन है जूट इंडस्ट्रीज के लिए। और जैसे जैसे ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वैसे ही काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, क्योंकि जूट भी हमें कॉटन की ही तरह प्लांट से मिलता है, फार्म से मिलता है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में। इसलिए जैसे जैसे इस इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है, वैसे ही फार्मर्स की ग्रोथ हो रही है। लेकिन दोस्तों, सक्सेस के रास्ते में चैलेंजेस का सामना तो करना ही पड़ता है, और यही हुआ जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के केस में। इसे भी बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। जैसे कि दोस्तों, एक तो मार्केट में काफी सारे सिंथेटिक फाइबर्स आ जाने की वजह से इसे कॉम्पिटिशन को फेस करना पड़ा, और साथ ही ब्राजील, इजिप्ट जैसी कंट्रीज जो जूट प्रोड्यूस करती हैं, उनसे फॉरेन कंपटीशन को। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने जूट की नीड, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बनाई, जहां इस बात का खास ध्यान दिया गया कि प्राइस को मेंटेन करते हुए जूट की क्वालिटी और उसकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाए, उसे इंक्रीज किया जाए। और आज हम यूके, यूएसए, कैनेडा और रशिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज को जूट सप्लाई करते हैं। तो देखा दोस्तों, इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, और यहाँ से हम फैब्रिक की इम्पोर्टेंस और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं। तो क्यों ना अब हम किसी फूड आइटम के बारे में बात करें। चलिए शुगर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज है जो हर घर में डेली इस्तेमाल होती है। लेकिन वैसे आप एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपने घर में शुगर के डिब्बे को देखकर ये सोचा है कि ये शुगर कहाँ से और कैसे बन के आपके पास आई है? नहीं ना, क्योंकि हम तो बस डायरेक्टली उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। दोस्तों, फार्मर्स एग्रीकल्चर फील्ड में शुगर केन को कल्टीवेट करते हैं, और इस शुगर केन को प्रोसेस करके शुगर इंडस्ट्री इसे कन्वर्ट करती है शुगर, गुड़ और खंडसारी में। मजे की बात यह है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में शुगर का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और गुड़ और खंडसारी का फर्स्ट लार्जेस्ट। दोस्तों, इंडिया में पंजाब, हरियाणा, बिहार ऐसे सारे रीजन्स में शुगर इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि यहाँ ये रॉ मटेरियल यानी कि शुगर केन काफी अच्छे से अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, एक फैक्ट की बात यह है कि जिस भी रीजन में इंडस्ट्रीज सेटअप की जाती हैं, वहां डेवलपमेंट तो होती है, लेकिन उस रीजन के सभी रिसोर्सेज ओवर यूज की वजह से एक्सप्लॉयड भी हो जाते हैं, जिसके कारण कोई भी रीजन हमेशा के लिए एक आइडियल लोकेशन नहीं रह पाता। और इसी प्रॉब्लम की वजह से ये देखा गया है कि रीसेंट टाइम्स में काफी सारी शुगर इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। इतना ही नहीं, शुगर इंडस्ट्रीज ने और भी बहुत से चैलेंजेस को फेस किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इंडस्ट्री एक सीजनल इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें सबसे बेसिक नेसेसिटी है शुगर केन, और शुगर केन को फील्ड में एक पर्टिकुलर सीजन में कल्टिवेट किया जाता है, और वो भी ट्रेडिशनल मेथड से और बहुत ही कम और लिमिटेड टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की मदद से। इसलिए दोस्तों, ये सेक्टर काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। लेकिन अगर हम इस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट पर ध्यान दें, तो हमें शुगर के मामले में भी फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये थी कुछ मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर बात करेंगे इंडस्ट्रीज की दूसरी कैटेगरी के बारे में,
जो कि है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.